हल्द्वानी के नैनीताल रोड पर स्थित पार्क को वेस्ट मटेरियल से सजाया गया है। यह पार्क लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। दरअसल इसके पीछे कुछ सामाजिक रचनात्मक कार्य करने वाले लोगों की सोच है, जो इस पार्क को अब वेस्ट मटेरियल से सजा रहा है। इस पार्क को सजाने के लिए प्लास्टिक की बोतल, टूटी टाइल्स और अन्य कबाड़ का जो है उपयोग किया जा रहा है। वहीं कुछ कलाकार पार्क की दीवारों को जो है पेंटिंग से सजा रहे हैं, जिससे पार्क के चारों ओर कुमाऊनी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। मनोज नेगी और उनकी टीम का कहना है कि इस पार्क को रॉक गार्डन चंडीगढ़ की तर्ज पर संवारने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये पार्क आने वाले समय में शहर में अपनी अनोखी पहचान बना सके। हल्द्वानी से अधीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये नगर निगम हल्द्वानी के द्वारा यहाँ पे एक जो मेन रोड नैनीताल रोड पे है, यहाँ पे एक पार्क बनाया जा रहा है। एक्चुअली क्या था, यहाँ पे पूरे गंदगी वगैरह थी, तो हमने सोचा इस गंदगी वाली जगह को कुछ कूड़ा कचरा जो हम लोगों का होता है, उसी कूड़े कचरे से संवार कर इस पार्क को बनाया गया है। इसकी थीम यह है वंडर टू वेस्ट टू वंडर पार्क है हमारा। इसमें हमने जो भी चीज़ें रखी गई हैं, पुराने टायर, पुराने बोर्ड वोर्ड जो रिक्शे टूट जाते थे नगर निगम के, उन चीज़ों को यूज किया गया है, टाइल्स का यूज किया गया है, तो ये सारी चीज़ यूज करके हमने इस पार्क को डेवलप किया है। और सर, ये वेस्ट टू वंडर पार्क पे हमने काम किया है, जिसमें हमने एपण बनाया है और ये वेस्ट मटेरियल पर बना हुआ है। जो जितना भी फालतू सामान है उससे सर ने ये सब से काम करवाया है और एपण, इसमें कुमाऊनी झलक है, एपण भी हैं। मैं यहाँ मनोज नेगी सर के साथ जुड़ी हुई हूँ काफ़ी टाइम से। इस पार्क में सर ने बहुत अच्छा वर्क किया, जैसे वेस्ट जो टायर होते हैं जगह जगह से लाके वो उनको कलरफुल बना के उसमें प्लांट लगा रखे हैं, बॉटलों का कलेक्शन अच्छा कर रखा है। यहाँ तक कि जो मतलब लोग टाइल्स वगैरह लगाते हैं उसे फेंक देते हैं, उसका भी अच्छा यूज़ सर ने कर रखा है यहाँ पर बनाकर।